एमसीबी जिले में राजनीतिक बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भी जोरदार पलटवार किया। दरअसल श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि जैसे युद्ध में सैनिकों की भूमिका अहम होती है, वैसे ही राजनीति में कार्यकर्ताओं का होना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जितनी कांग्रेस यात्राएं निकालेगी उतना ही भाजपा को फायदा होगा। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता गुलाब कमरो ने मंत्री जायसवाल पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास आज भी मजबूत सेना है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की असलियत जनता के सामने आ चुकी है और पार्टी झूठे वादों के सहारे खड़ी है। 18 लाख आवास का वादा किया, लेकिन विधानसभा में बजट शून्य है। न्याय यात्रा आज की नहीं निकली है, कांग्रेस की न्याय यात्रा आज जो हमारी यात्रा है, चाहे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, राजू, उस समय से हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन किए राहुल जी, तब आज जाके लोग किस तरह से घबराए हुए हैं। वे इस कारण श्याम बिहारी जी इतना अति उत्साह में जल्दबाजी में कोई ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए। आज आपका देख लीजिए किस हाल में प्रदेश है कि किसी भी पार्टी के लिए यदि सदस्य नहीं है तो उस तरह जैसे किसी युद्ध में उसके सैनिक ना हो तो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। उसी प्रकार हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जब तक हमारे कार्यकर्ता की संख्या ज़्यादा नहीं होगी तो हम राजनीतिक क्षेत्र में कम काम कर पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बनाने का लक्ष्य रखा है और हमारा मनेंद्रगढ़ विधानसभा लगातार सदस्य संख्या बढ़ रही है।